नगर निकाय नगर परिषद के चुनावों का शोर थम गया है। अब कांग्रेस बीजेपी तथा निर्दलीय प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर अपने अपने पक्ष में मतदान करने का अनुरोध कर रहे हैं। देखिए विभिन्न वार्डों के कांग्रेस भाजपा व निर्दलियों के जनसंपर्क की झलक। प्रचार समाप्ति के साथ ही दोनों दल अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने मतदाताओं से शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग व कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राधुलाल तेली ने भी कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ ही शांतिपूर्ण व अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। लेकिन साथियों, निकायों में जो कल वोट पड़ने जा रहे हैं, सभी लोगों से, सभी कार्यकर्ताओं से मैं अपील करता हूं कि शांतिपूर्वक मतदान करें। और मेरा यह प्रयास है कि अधिक से अधिक कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें, ताकि कांग्रेस का बोर्ड बन सके, कड़ी से कड़ी जुड़ सके और नए विकास के आयाम स्थापित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। और जो हमारे कोरोना की महामारी पिछले एक साल से चल रही है, उसका सब पालना करें। और मेरे को पूरा विश्वास है कि कोरोना की जो गाइडलाइन है, उसकी पालना के अनुसार सभी लोग मतदान करेंगे और सारा मतदान कांग्रेस के पक्ष में करेंगे। भाइयों और बहनों, कल राजस्थान की नगर पालिकाओं में मतदान होने जा रहा है। भीलवाड़ा जिले की 6 नगर पालिकाओं और भीलवाड़ा नगर परिषद का मतदान है। मैं सभी जिले के मतदाताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सभी मतदान करें। मतदान हमेशा पात्र व्यक्ति को किया जाता है, क्योंकि दान के लिए सुपात्र व्यक्ति होना चाहिए। जहां तक लोकतंत्र की बात हम जब करते हैं, तो हम सब इस बात को जानते हैं, 2 दिन पहले हमने मतदाता दिवस मनाया, कल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया और कल मतदान हम करने जा रहे हैं। मतदान और लोकतंत्र और जनतंत्र और गणतंत्र सब एक दूसरे के पहलू हैं और एक दूसरे की ताकत है। हम सभी मतदान करेंगे तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। मतदान के लिए हमें कुछ चीज़ें जो देखनी चाहिए वो अवश्य जरूर देखें आप। मतदाता का एक ही मत होता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। लेकिन हम जिसको मतदान कर रहे हैं, वो हमारे विकास की दिशा तय करते हैं, देश प्रदेश और शहर की विकास की दशा तय करते हैं कि हमारे शहर का विकास कैसा होगा, हमारा जनसेवक कैसा होगा, हमारा जनप्रतिनिधि कैसा होगा। ऐसे में मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इन बातों का आप जरूर ख्याल करें। जनसेवक ऐसा हो जिसके मन में सेवा का संकल्प हो, सेवा ही धर्म मानता हो, जिसमें जनप्रतिनिधि बनकर सेवा करने के साथ में उसका समर्पण भी हो, उसकी वरिष्ठता भी हो, उसकी सोच भी हो, उसकी राष्ट्रीय विचारधारा भी हो। अन्यथा कई लोग ऐसे भी हैं जो आपके बीच में आकर बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं, पार्टी के नाम पर आपको किसी को कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हमें सबसे बड़ा विषय जो देखना है कि उसकी विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा, विकास की विचारधारा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, इन तीनों चीज़ों को लेकर हम यदि काम करेंगे और वोट देंगे तो निश्चित तौर पर हमारा देश आगे बढ़ेगा। और इसी के साथ एक और चीज़ निवेदन करना चाहता हूं मैं। वर्तमान में हिंदुस्तान और भारत सरकार ने जिस तरह से कोविड वैक्सीन वर्ल्ड में सबसे पहले निकाली है और बनाई है, वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। इसलिए मतदान के दौरान सोशल डिस्टेंस का और मास्क का ध्यान रखें।